अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बॉटनी में कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो 2023 के पेपर में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और मॉडल पेपर के मुताबिक हमें 3 अटैम्प्ट करने होंगे और ये 3 क्वेश्चंस 18 मार्क्स के हैं, यानी हर क्वेश्चन 16 मार्क्स का है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि बॉटनी में आपकी बुक में से कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो मैं बता देती हूँ। चैप्टर नंबर 3 आपका बॉटनी में इंक्लूड होता है। चैप्टर 3 से 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विद लेबल डायग्राम, या ऐसे दे दें कि सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसी को कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन। तो अगर वो देते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो घबराना नहीं है, दिस इज द सेम क्वेश्चन, उन्होंने कन्फ्यूज करने के लिए आपको नए अल्फाजों में लिखा है। फिर चैप्टर 3 में से एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, वो है स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विद द लेबल डायग्राम, या देते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस विद द लेबल डायग्राम, या दोनों के एक साथ भी दे सकते हैं कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस विद लेबल डायग्राम्स। तो ये आपको 2 क्वेश्चंस एटलीस्ट चैप्टर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए पक्के पक्के आने चाहिए। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 4 जो है वो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट का है, बॉटनी का चैप्टर इंपॉर्टेंट है और बॉटनी का चैप्टर है। इसमें जो एक क्वेश्चन आपको दे सकते हैं वो है ऑल द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। हमें पता है फोटोसिंथेसिस के 2 फेसेस होते हैं, लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट। आप लाइट डिपेंडेंट भी याद करें और यही क्वेश्चन पूरा डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ ऑल द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी याद करें। ये आपके मॉडल पेपर में आया है, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। तो डिपेंडेंट भी आना चाहिए और इंडिपेंडेंट भी आना चाहिए। अच्छा, अगर वो इस तरह दे दें कि डिटेल्स ऑफ ऑल द इवेंट टेकिंग प्लेस इन C3 साइकिल, तो घबराने की बात नहीं है, C3 साइकिल इज द सेम नेम ऑफ द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। फिर जी एक और क्वेश्चन वो आपको इसी चैप्टर में से दे सकते हैं, वो ये है कि डिस्क्राइब ऑल द इवेंट टेकिंग प्लेस इन क्रैब्स साइकिल, या डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ क्रैब्स साइकिल। तो क्रैब्स साइकिल भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी का दूसरा नाम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और TCA साइकिल है। तो TCA साइकिल में भी कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ये यही क्रैब्स साइकिल ही है जिन्हें उन्होंने चेंज ऑफ वर्ड्स करके आपको दिया है। फिर जिस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मॉडल पेपर में आया और वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ग्लाइकोलिसिस है। हम सबको ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस और तमाम इवेंट जो इसमें टेक प्लेस कर रही हैं वो अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तकरीबन हर साल ही फर्स्ट ईयर में आ रहा होता है। फिर चैप्टर 6 जो है बैक्टीरिया वाला, वो भी हमारे पास बॉटनी में ही शामिल होता है। आपके पास जो इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है वो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में है। बैक्टीरिया सिर्फ सेल वॉल का स्ट्रक्चरल डिटेल में आपने डिस्क्राइब करना होगा, लेबल डायग्राम के साथ डिस्क्राइब करना होगा। और दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर में से अपीयर हो सकता है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया विद लेबल डायग्राम। यहाँ पे आपने सिर्फ बैक्टीरिया की सेल वॉल को लेबल डायग्राम के साथ डिफाइन करना है, यहाँ पे आपने पूरा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का और डेफिनेशन भी लिखनी होगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन दोनों को देख लीजिएगा। अगर करना हो तो ये ज़्यादा आप कर लें, इसको अच्छे से कर लें, इसको पढ़ लें, ठीक है जी। डिस्क्राइब द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया भी एक क्वेश्चन है जो आ सकता है। हमें पता है बैक्टीरिया में मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन 2 होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक। तो आपको दोनों पता होने चाहिए और दोनों की सब टाइप्स भी पता होनी चाहिए। उसके बाद जी हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है, वो भी बॉटनी का ही क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 8 में से जो क्वेश्चन आ सकते हैं, चैप्टर 8 की खसूसियत ये है कि ये पूरा ही प्लांट्स के बारे में, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चैप्टर 3 में से 3 लाइफ साइकिल्स आ सकती हैं। हर लाइफ साइकिल आपको तमीज़ से लिख के आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए और डायग्राम के साथ लिखनी आनी चाहिए। डायग्राम भी बना के आइएगा। मॉस की आ सकती है, फर्न की या फ्लावरिंग प्लांट्स की। अगर आप ये तीनों कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप कोई तीनों नहीं कर सकते तो मॉस ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज दिस हैज़ ऑल्सो अपेयर्ड इन मॉडल पेपर, ठीक है जी। फिर आपके पास एक क्वेश्चन है चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द अडेप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट प्लांट्स टू लैंड हैबिटेट। ब्रायोफाइट प्लांट ने ऐसे कौन कौन से अडेप्टेशन अपने अंदर पैदा किए कि वो लैंड पे रह सकें, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसानी से बुक्स में मिल जाएगा। फिर जी हमारे पास एक इसी चैप्टर का क्वेश्चन है ग्रोथ रेगुलेटर्स का। ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट हार्मोन्स होते हैं, यानी फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो अगर पूछ लें कि फाइटो हार्मोन्स के नाम लिखें, शॉर्ट में भी अपीयर हो सकता है। अगर पूछ लें कि फाइटो हार्मोन्स के नाम लिखें और उन्हें डिस्कस करें डिटेल में, तो आपको पता होना चाहिए, कन्फ्यूज नहीं होगा। फाइटो मीन्स होता है प्लांट्स, यहाँ पे भी फाइट मीन्स होता है प्लांट, ठीक है जी। फिर हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 10 जो बॉटनी का ही चैप्टर है, फॉर्म एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट। इसमें से जो एक क्वेश्चन आपके पास ये आ सकता है कि फिलोएम की ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस डिटेल में डिस्क्राइब करें। इसमें आपको मंच ने जो हाइपोथेसिस दिया था ना, वो भी फ्लो चार्ट के साथ बनाना होगा। फिर जी एक क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। तो आपको ये भी अच्छे से करना आना चाहिए। तो ये आई गेस 16 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अभी आपके पास टाइम है, यू कैन डू ऑल ऑफ देम। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट ट्राई करें कि इनमें से 12 to 13 क्वेश्चन आपको आते हों, क्योंकि ये हाई यील्ड टॉपिक्स हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।